शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। की सावन शिव महापुराण की कथा संजय एक बात पहले से बताना है, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती है, 14 चीजें दान करती है, बीच में कोई 16 संवर का अध्यापन करेंगी तो विश्वाहती सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो विश्वाहती सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान जो किया जाए, सौभाग्य शीर्षक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए, सौभाग्य की वस्तु में क्यों प्रदान करी जाते हैं, क्यों भी जाते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों देते महाराज है, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का ये मंदिर की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटते हैं तो आप अखंड सौभाग्य धारण करके, ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन पर संकल्प, उनके मन का भाव है, क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान, ये बिछुड़ी नहीं कितनी 2, 3, 4, 5 एक एक पाओ में एक जोड़े से बिछोरी होना चाहिए, केवल एक नहीं सिंगल लेग, तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जब केवल एक बिछोरी धारण कर लिया उसी ने फैशन जीते है। श्रावण की शिव महापुराण भी बता कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पाओ में जब बिछोरी डाली जाती है तो वो बिछोरी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछोरी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होगा, बोला सही है धीरे लड़े, जितने आसपास चेन रहता तथा सुन रहे, जितने फेसबुक पर सुन रहा, यूट्यूब पर सुन रहा, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पानी ग्रहण संस्कार किसी व्यक्ति का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुरा पिनाया जाता है, बिछुरी पिनाई जाती है, तो वो बिछुरी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है, उसको अलग अलग वाली बिछुरी शादी के मंडप में नहीं पहनाई जाती, क्यों, जैसे ये बिछुरी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, पता हम माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुरी नहीं टिका रखी है, चुभती है, एक बिछुरी धारण हमारा परमाई में बिछुरी भी दो जोड़े से, हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माताएं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है, बोलो जैसा सही है ही गलत है, ये अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती है, अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं जोड़े की चूड़ी पहनेगी, दो चूड़ा डालेगी, चार डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं अकेली। श्रावण के महीने भी शिव महापुराण की कथा जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान आया है उनके बराबर दुनिया पर कोई इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता, जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान ले प्रतिदिन दे रहे, पर अब आप तो फैशन आ गया तुम लोग सौभाग्य का दान दे तो प्लास्टिक की दलिया में देते हो,